ये डिस्प्ले केबल हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसके साइड पे ये चार स्क्रू लगे थे। सबसे पहले एक कनेक्टर हमने ये डिस्प्ले वाला तार लिया जो एलईडी के साथ है, और दूसरे हमने ये वाला कनेक्टर उतारना है। अब LCD ये वाली साइड पे रखा लेंगे, दूसरी मंगवा के रखी हुई ऑलरेडी ये है, ये अब हम इसमें लगाएंगे दोबारा। ये डिस्प्ले केबल हम लगाएंगे, उसके बाद फिर लगा के इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसी कंडीशन में। पावर ऑन देंगे पहले, आ गए। अब अभी इसको क्लोज करेंगे।
तो व्यूवर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, तो मैं आपको ये बताना चाहता था इस ऑल इन वन सिस्टम में एलईडी कैसे चेंज की जा सकती है और एलईडी चेंज करने का तरीका, और दूसरा ये बैक कवर खोलने का तरीका भी आप लोगों को पता चल गया होगा। और दूसरा ये है कि समटाइम ये आप देखें इसमें रैम अपडेट करनी हो या कोई हार्ड ड्राइव आपने अपडेट करनी हो, एसएसडी लगानी हो, तो इसका ये बैक कवर खोलने का तरीका आपको मैंने बता दिया। उसमें आप रैम भी चेंज कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी ऑल इन वन की हार्ड डिस्क भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा हो तो जैसे पहले ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट वगैरह पूछते हैं, मैं हद तक ऐसा कोशिश करता हूँ कि उनका आंसर दे सकूँ। समटाइम ये होता है कि आगे पीछे बिजी होने की वजह से ये मैं डिले हो जाता है, जिस वजह से मैं आंसर नहीं कर सकता कमेंट्स का, तो इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।